गुड मॉर्निंग बीबीए थर्ड सेम एंड बीकॉम सेकंड ईयर। इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द लीव सैलरी कंपनसेशन। आज हम डिस्कस करेंगे वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 सी। कौन सा सेक्शन होता है इसमें? सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 सी, जो क्या बताता है, वॉलंटरी रिटायरमेंट से अगर तुम्हें कोई अमाउंट मिल रहा है तो उसका कंपनसेशन तुम कैसे काउंट कर सकते हो, कैसे तुम्हें कंपनसेशन मिलेगा उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, अब कंपनसेशन जो होता है वॉलंटरी रिटायरमेंट, इसका मींस क्या हुआ, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। कोई पर्सन है, वो ये चाहता है कि वो जॉब करके थक चुका है किसी भी डिपार्टमेंट या किसी भी कंपनी में, तो क्या करता है वहां से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेता है। अब सेवानिवृत्ति जो होती है वो ऐसा नहीं कि एक साल में जॉब करने के बाद में सेवानिवृत्ति ले लो, पॉसिबल नहीं है। इसके लिए क्या, या तो तुमने मिनिमम किसी कंपनी में 10 साल के लिए जॉब की हो, कितनी 10 साल के लिए जॉब की हो, या फिर तुमने 40 वर्ष की आयु कंप्लीट कर ली हो, दोनों में से जो भी अगर तुम्हारे पास में है तो तुम स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले सकते हो। अगला क्या हो गया कि इस योजना में सभी कर्मचारी आते हैं बट निर्देशक भी आते हैं, यानी कि डायरेक्टर्स जो होते हैं वो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति नहीं ले सकते। ओके, योजना किस लिए बनाई जाती है कि कर्मचारियों की संख्या में कमी करनी है, तो ऐसा नहीं है कि एक बार कमी करने कर ली और फिर आपस उनको किसी और को ज्वाइन कर लिया उसी पोस्ट के लिए, पोस्ट पे समझ रहे हो कि एक बार अगर तुमने किसी को निकाल दिया है तो फिर से उसे नहीं उस जगह पर या उस स्थान पर जो खाली हुआ है उस स्थान पर किसी और को नहीं ज्वाइन करोगे फर्स्ट चीज। और अगला क्या हो गया कि अगर किसी एम्प्लॉय ने तुम्हारे यहां से तुम्हारी कंपनी से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले लिए और तुम फिर से उसे अपनी सेम मैनेजमेंट यानी कि सेम प्रबंधक वाली, एक ही प्रबंधन है यानी कि तुम्हारे पास में बहुत सारी कंपनी है, एक मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारी कंपनी है, उनमें से किसी अनदर कंपनी में तुम अगर उसे ज्वाइन कराते हो तो इस कंडीशन में भी उसे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति में प्राप्त जो राशि है उसकी क्षतिपूर्ति प्राप्त नहीं होगी। समझ रहे हो, यानी कि हम ये इनकम टैक्स ये नहीं मानेगा कि तुमने उसको वॉलंटरी रिटायरमेंट दिया है, क्योंकि तुमने फिर से उसको ज्वाइन कर लिया, सेम मैनेजमेंट की कंपनी है, तो इस कंडीशन में तुम वहां पर उसे नहीं कर सकते। एक्स वाई जेड कंपनी के अंडर में एक कंपनी और आती है ए बी सी, मिस्टर रवि जो एक्स वाई जेड कंपनी में एम्प्लॉय था वहां से उससे तुमने क्या कर दिया, रिटायरमेंट दे दिया, और फिर से मिस्टर रवि को अगर तुम एबीसी लिमिटेड कंपनी में ज्वाइन कराते हो तो इस कंडीशन में मिस्टर रवि का एक्स वाई जेड कंपनी से रिटायरमेंट वॉलंटरी रिटायरमेंट नहीं माना जाएगा और इस पर जो अमाउंट मिली होगी से इसका एग्जेम्पशन भी इसे नहीं दिया जाएगा। ये कुछ वॉलंटरी रिटायरमेंट की कंडीशन थी जो अपन ने डिस्कस कर ली। अब बात करते हैं इसके प्रोविजंस क्या है। तो पहला प्रोविजन है एक्चुअल रिसीट। पहला क्या होता है, एक्चुअल रिसीट, यानी कि जितना भी तुम्हें एक्चुअल मिल रहा है वो कितना होगा उसके अकॉर्डिंग तुम्हें क्या मिलेगी वो तुम लिखना है फर्स्ट। सेकंड क्या होगा, तुम्हारे पास में 5 लाख स्टैंडर्ड लिमिट कितनी है, स्टैंडर्ड लिमिट 5 लाख। ओके, सेकंड चीज क्या होगी तुम्हारी, स्टैंडर्ड लिमिट 5 लाख। थर्ड की बात करते हैं, थर्ड प्रोविजन होगा 3 मंथ सैलरी, 3 मंथ सैलरी इनटू कंप्लीटेड सर्विस ईयर, 3 मंथ सैलरी इनटू कंप्लीटेड सर्विस ईयर। समझ रहे हो, 3 मंथ सैलरी इनटू कंप्लीटेड सर्विस ईयर, जितने साल उसने कंप्लीट किए, राउंड अप नहीं करने, एक्चुअल में यानी कि एग्जैक्टली उसने कितने साल की जॉब की है उसे मल्टीप्लाई करना है। और ये जो 3 मंथ होंगे वो सैलरी कौन सी होगी, लास्ट 3 मंथ वर्किंग, यानी कि रिटायरमेंट से, वॉलंटरी रिटायरमेंट से जस्ट पहले वाले वर्किंग 3 मंथ की सैलरी चाहिए मुझे। ओके, और फोर्थ तुम्हारे पास में क्या हो गया, फोर्थ प्रोविजन से सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इनटू सर्विस ऑफ रिमेनिंग पीरियड इन मंथ, सैलरी एट द
टाइम ऑफ रिटायरमेंट इनटू सर्विस रिमेनिंग पीरियड इन मंथ, यानी कि तुम्हारी जो लास्ट टाइम तुम रिटायर्ड हो रहे हो उसमें सर्विस सैलरी कितनी है उसको मल्टीप्लाई करना है, अब तुम्हारी सर्विस के कितने टाइम बाकी है, कितने मंथ बाकी है सर्विस के, समझ रहे हो। यानी कि अगर कोई पर्सन है जिसने 10 साल जॉब कर लिए और वो वॉलंटरी रिटायर्ड लेता है, बट उसकी जो एज है वो अभी 30 ईयर ही है, समझ रहे हो। एक पर्सन है जिसने 10 ईयर कंप्लीट कर लिए जॉब के, बट उसकी एज कितनी है अभी 30। मैंने कहा था कि या तो एज कितनी हो जाए 40, या फिर तुमने 10 साल की सर्विस कंप्लीट कर ली है तो तुम वॉलंटरी रिटायरमेंट ले सकते हो। तो एक पर्सन है जिसकी एज 30 ईयर है बट उसने 10 साल वर्किंग के कंप्लीट कर लिए, अब वो वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए अप्लाई करता है, तो इस कंडीशन में इसकी वर्किंग के पीरियड कितने बचे हुए हैं, यानी कि अभी वो कितने सर्विस और दे सकता, ये सर्विस यानी कि उससे 10 साल की सर्विस और बाकी है तो उसकी, तो यानी कि 10 × 12 एक साल में कितने मंथ होते हैं 12 मंथ, यानी कि 120 मंथ की सर्विस उसकी अभी भी क्या है ड्यू है। तो यानी कि तुम्हें यहां पर किससे मल्टीप्लाई करना होगा, सर्विस रिमेनिंग पीरियड इन मंथ, यानी कि उसकी अभी सर्विस में कितने मंथ बाकी है, तो 120 मंथ बाकी है इसकी सर्विस में, जिससे 10 साल तो कंप्लीट कर लिया सर्विस के, बट उसकी एज के अकॉर्डिंग अभी वो 10 साल और जॉब कर सकता है, 40 साल की एज तक जॉब कर सकता है, रिटायरमेंट मिलता है उसे, तो यानी कि अभी कितना है 120 मंथ और वो जॉब करता, तो यहां पर तुम्हें मल्टीप्लाई किससे करना है, सर्विस रिमेनिंग पीरियड में 120 मंथ। ओके कंप्लीट यहां तक। अब इस वॉलंटरी रिटायरमेंट में सैलरी की डेफिनेशंस क्या होती है डिस्कस कर लेते हैं अपन। सैलरी इक्वल्स टू बेसिक पे प्लस डीए इफ प्लस कमीशन परसेंटेज, ये हो गया वॉलेंट्री रिटायरमेंट में सैलरी की डेफिनेशन। सैलरी इक्वल्स टू बेसिक पे प्लस डीए प्लस कमीशन परसेंटेज। ओके कंप्लीट। अब देखो अगर किसी इंप्लॉय को वॉलेंट्री रिटायरमेंट की जो अमाउंट है जो राशि है वो अगर उससे इंस्टॉलमेंट में मिल रही हो, समझ रहे हो, किस्तों में अगर मिल रही है तो भी उसके लिए वो क्या हो गई टैक्सेबल है, समझ रहे हो, उस तो भी उसे क्या मिलेगा, उस पर एग्जेम्पशन तो मिलेगा ही मिलेगा। सॉरी कह रहे हो तो ये हुआ कि अगर किसी इंप्लॉय को वॉलेंट्री रिटायरमेंट का अमाउंट इंस्टॉलमेंट में पेड किया जा रहा है फिर भी उसे क्या होगा एग्जेम्पशन इसी लिमिट के अकॉर्डिंग मिलेगा। ओके कंप्लीट यहां तक। अगला स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की प्राप्ति कर मुक्ति होगी, ये तो पता ही है तुम्हें कैसे होगी, इसके अकॉर्डिंग होगी, जो ये कंडीशन है इनके अकॉर्डिंग तुम्हें क्या मिलेगी सेवानिवृत्ति की जो राशि है उसको एग्जेम्पशन मिलेगा। और मैंने बता दिए थे कि किस किस को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की जो राशि ये मिल रही है वो एग्जेम्प्टेड एग्जेम्प्टेड की अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। पहला है जिसने अपनी सेवा के 10 वर्ष पूरे कर लिए हो या 40 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। निर्देशक यानी कि डायरेक्टर्स को छोड़ के कोई भी इंप्लॉय चाहे तो स्वैच्छिक वॉलंटरी रिटायरमेंट ले सकता है। और योजना किस लिए बनाई गई हो, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की योजना इसलिए बनाई गई हो कि हमें कर्मचारियों की संख्या में कमी करनी है, बट एक बार अगर तुमने किसी कर्मचारी की संख्या में कमी कर ली है तो उस प्लेस पर उस स्थान पर उस जॉब के लिए किसी अनदर पर्सन को तुम ज्वाइन नहीं कराओगे भी, ठीक है। अगर किसी कर्मचारी को एक अपनी सेम प्रबंधन वाली यानी कि एक ही मैनेजमेंट वाली दूसरी कंपनी में ज्वाइन कराते हो तो इस कंडीशन में उसको सेवानिवृत्ति मिलने वाले अमाउंट की एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। ये सारे कंडीशंस हो गई, ये तुम्हारा क्या हो गया स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी कि वॉलंटरी रिटायरमेंट कंप्लीट हो गया। अब जो स्टार्ट होगा तुम्हारा ये इसका एक न्यूमेरिकल करने के बाद में
स्टार्ट हो जाते हैं प्रोविडेंट फंड और फिर तुम्हारे परक्यूजिट्स। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।